हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वसुंधरा राजे को पसंद करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका फुल नेम है वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रोफेशन से पॉलिटिशियन हैं। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 70 ईयर हो चुकी है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो वसुंधरा जी ने अपने स्कूल की पढ़ाई प्रेजेंटेशन कन्वेंट कडाईकनल तमिलनाडु से की और वहीं अपने कॉलेज की पढ़ाई सोफिया कॉलेज ऑफ वोमेन मुंबई महाराष्ट्र से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशन साइंस की हुई है हॉनर से। वसुंधरा जी का जन्म बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ। उनके फादर फॉर्मर महाराष्ट्र से ग्वालियर स्टेट के। उनको बचपन से ही डिबेट करने और पॉलिटिशियन का शौक था। अब इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में देख लेते हैं। 1984 में वसुंधरा ने इंडियन पॉलिटिशियन सिस्टम में एंट्री किया। प्रारंभ में उन्हें न्यूली फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनाया गया। वह धौलपुर में 8वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य के रूप में चुनी गईं। उसी वर्ष उन्हें राजस्थान भाजपा की युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। और हम आपको बता दें 1989 में लोकसभा चुनाव में वह सांसद चुनी गईं और 1991 तक सांसद रहीं। वहीं 1991 के आम चुनावों में वह झलावड़ निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा सांसद चुनी गईं और 1998 के लोकसभाओं में पार्टी के सत्ता में आने के बाद वसुंधरा राजे को विदेश मंत्रालय में राज मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1996 से 1998 तक झलावाड़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के निचले सदन में सांसद के रूप में कार्य किया और 1998 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुनी गई और 1999 तक रहीं और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के रूप में काम करती रहीं। 1999 में वसुंधरा फिर से एक सांसद के रूप में चुनी गई और उन्हें बाधित 5 वर्षों तक सेवा करने का मौका मिला। 2003 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनाया और वह 2008 तक इस पद पर रहीं और 2013 में फिर से वह राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा ने 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल चौहान को 53,153 वोटों के अंतर से हराया और अब ऐसे रूमर हैं कि ये 2023 में सीएम बन सकती हैं। तो हमको कमेंट करके बताना कि वसुंधरा राजे जी आपको कैसी लगती हैं। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। इनको 2007 में इनको महिलाओं के आत्मशक्तिकरण के लिए वोमेन टुगेदर अवार्ड रिसीव हुआ। वहीं 2018 में इन्हें 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। इनके फादर का नाम लेट जिवाजीराव सिंधिया था जो प्रोफेशन से फॉर्मर महाराष्ट्र से ग्वालियर स्टेट के। इनकी मदर का नाम विजय राजे सिंधिया था जो प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन थी। इनके ब्रदर का नाम लेट माधवराव सिंधिया था जो प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन थे। इनकी 4 सिस्टर भी थीं जिनका नाम लेट पामा राजे, सेकंड का नाम ऊषा राजे, थर्ड का नाम लेट पद्मावती राजे एंड लास्ट का नाम यशोधरा राजे सिंधिया था। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं तो ये सेपरेट हो गई हैं। इनके हस्बैंड का नाम हेमंत सिंह था जो प्रोफेशन से एक महाराष्ट्र थे धौलपुर के। इनकी मैरिज 1972 में हुई थी और 1974 में ये सेपरेट हो गई थी। और एक इनका बेटा भी है जिसका नाम दुष्यंत सिंह है जो प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो इनका एक अपना हाउस राजस्थान में है और इनका एक अपना हाउस मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में भी है। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें इनकी टोटल नेटवर्क अप्रॉक्सीमेट 12 करोड़ रुपये है।
तो ये थी वसुंधरा राजे जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।